दरभंगा शहर में धरती के भगवान मंगलवार को एक बच्चे की जान लेने पर उतारू हो गए। बेटा इलाके में निजी क्लिनिक चला रहे डॉक्टर मणिशंकर पर यह आरोप खुद मासूम की मां ने लगाया है। बहेरा से आई शाहिस्ता अपने मासूम बच्चे के इलाज के लिए इंतजार में थी और इसी बीच डॉक्टर साहब क्रोधित हो उठे। आरोप है कि पहले बच्चे को पटका, फिर बच्चे की मां पर हाथ उठाया और फिर मां के भाई का गला दबाने की कोशिश की गई। मामला बढ़ा तो पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद डॉक्टर साहब ने पत्रकारों के सामने आना तक मुनासिब नहीं समझा। ये क्या घटना घटी आपके साथ? हम वो पेशेंट दिखाने गए, मेरी सिस्टर गए कंपाउंडर के पास, तो वो कंपाउंडर किस जगह पे रही थी? ये डॉक्टर किया मनीष कुमार झा की, मनीष कहाँ पे है इसका क्लिनिक? बेता चौक पे। अच्छा। बेता पे ये बताइए, हम गए चौक दिखाने के लिए, हमारी सिस्टर गए पूजा लेके उनके कंपाउंडर के पास, तो वो कंपाउंडर हमारी सिस्टर को फालतू बोला कि यहाँ से चली जाओ नहीं तो मारेंगे। तो फिर वो डॉक्टर बोला, कंपाउंडर बोला कि 44 नंबर है, उसके बाद ही दिखाएंगे। तो हमारी सिस्टर बोले इमरजेंसी है, अभी दिखा दीजिए। तो वो बोला चली जाओ नहीं तो इतनी मार मारेंगे कि सीधी हो जाओगे। तो हम सुने तो हम गए, तो वो हमको भी चैम्बर में गए जी, कंपाउंडर के पास हम गए, वो गाली देने लगा। तो हम कुछ नहीं बोले, तो उसके बाद हम बोले डॉक्टर को आने दीजिए, हम डॉक्टर को बोलेंगे। उसके बाद वो डॉक्टर आया, डॉक्टर भी हम पे हाथ उठाने लगा और चार कंपाउंडर मिलके, हम अकेले थे और चार कंपाउंडर एक डॉक्टर मिलके मारने लगा हम और हमारी सिस्टर को। डॉक्टर खुद मारा है, डॉक्टर खुद मारा है। कंपाउंडर को समझाने के वजह वो हम लोग को मारने लगा, हम अकेले थे, वो चार चार था। आपके यहाँ से कोई परिजन दिखाने आए थे दोबारा? अच्छा, आपके यहाँ से परिजन वार्तालाप हुआ, वहाँ डॉक्टर के केबिन में गए, क्या बात हुई वहाँ? हम गए ना भैया, तो वो मतलब गाली देने लगा, गाली गलौज करने लगा कंपाउंडर। अरे वो बात, डॉक्टर साहब माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हो गया, अब दोबारा नहीं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? नहीं तो ऐसा हमारे साथ किया, आगे वो किसी और के साथ करेगा, फिर गलती मान नहीं लिया लेकिन वो फिर से करेगा, जिसका चार्ज हो जाता है वही ना रहेगा, वो गलती मान लिया दिखाना चाहते हैं कि क्या करेगा, और उनके साथ कोई एक्शन नहीं होगा, वो दोबारा फिर से दोहराएगा वो गलती, फिर से दोहराएंगे वो। हम क्या ना? मेरा नाम अरमान हुआ। क्या घर हुआ? बहेरा जी, क्या घटना घटी है आपके साथ? ये बच्चे को कल दिखाने आए थे, पति पास ले गए ना, तो इस बच्चे का ज्यादा पोजीशन गड़बड़ हो गया। किन डॉक्टर के पास आई? ये मणिशंकर के पास। किस जगह पे? बेटा में। क्या हुआ था सर? उसके बाद मैं दिखाने आई ना, तो 42 नंबर के बाद बोला दिखाऊंगी, तो मैं बोली सर बच्चे का इमरजेंसी ज्यादा है, दिखा दीजिए आप। तो बोला नहीं नहीं दिखाऊंगा, पहले जाओ। तो फिर उसके बाद वो इमरजेंसी वाले डॉक्टर के पास भेजी, तो मैं उसके पास गए, तो वो बोली फिर उसी के पास पर्ची लेकर जाओ, तो बोलना इमरजेंसी में दिखाने। मैं बोली तो बोले खुद चले जाओ नहीं तो नहीं जाऊंगा, नहीं तो उठ के मारूंगा। तो मेरा भाई बोला क्यों ऐसे लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, तो वो गाली उली बका। फिर उसके बाद शांत हो गया। फिर डॉक्टर, कौन डॉक्टर बोला आप? ये मैंने कंपाउंडर बोले, फिर डॉक्टर जो है ना, तो डॉक्टर जो है ना तो फिर पुलिस ना, तो जो बेड पे हम बैठे हुए थे वो बेड बच्चे को उठे मलर दिया, सामान फेंक दिया, यही बच्चा बच्चे को। फिर उसके बाद जब बोली सर मैं रोजा रखती हूँ, मेरा भाई भी रोजा, ऐसे नहीं करिए, तो मुझे एक तबलाग खींच के मारा, मैं बच्चे को लेके गिर कर जाती वगैरह लग गया। फिर उसके बाद छोड़ाई जाती है, तो फिर कहता क्या तुम लोग अपने केबिन में, हाँ केबिन में ही किया ये काम, बोला जाओ नहीं तो और मारेंगे, तो मेरे बच्चे का ज्यादा सीरियस। फिर सब पुलिस की जाओ हमारे पास जाओ, उसके बाद आ रहा तो कुछ करना, पूरा सामान साथ ही फेंक दिया, बच्चे को भी चोट लगा, मुझे भी चोट लगा। क्यों मारा आपको? कुछ नहीं मानना चल कर इसको मारा, खुदा से लग गई बेहोश पर गिर गए। बस उसके बाद हम ना कितने देर तक दबाया इसका, फिर इसको होश आते बच्चा को पटक दिया, ये बीमारी बच्चा को खाने के लिए खुद डॉक्टर पटक दे, डॉक्टर खुद हाथ लगा दे। क्या नाम है? मेरा साइज का नाम है। कहाँ घर हुआ? बहेरा। अच्छा, थाना कोई बुलाया गया था तो थाना से क्या बोला गया? चल मैं तो बच्चे को लेके,
आना था, हम लोग अच्छा आपके परिजन को डॉक्टर के केबिन में बोला गया है, कुछ क्या बात हुई है, क्या हुआ क्या सर? हम नहीं थे वहाँ पे, बच्चे को लेके थे, अभी आए हैं हम लोग का आदमी आया, उससे माफी मांगा आपको मारा किसने था? डॉक्टर ने दोनों मिलके मारा है। डॉक्टर ने चले जाओ, मैं सर को बोला कि सर सर रोजा रखे हुए, ये भी रोजा कुछ नहीं, बच्चा को लेके बैठा ना, ये शुद्ध लेके पलट दिया बच्चा को, बताइए ऐसे तो कुछ होता है? डॉक्टर खुद अपने हाथ देता मेरी बच्चा को, डॉक्टर खुद अपने हाथ से एफआईआर कीजिए ना डॉक्टर पे, एफआईआर किया सोशल मीडिया पे छोड़ दीजिए कि इनका घटिया ना थे, क्या इनका वो गलती किसी के साथ नहीं, मतलब आपने तो माफी मांगी है ना जी। हाँ तो फिर इसका हाथ खुद डॉक्टर हो के, डॉक्टर को आदमी बाप समझता है, भाई समझता है, यही ना समझता है।